आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नए मेहमान से मिलाता हूँ। दोस्तों, नया मेहमान हमारा एक नया कंप्यूटर है, जिसको दोस्तों मैंने 14,000 के आसपास में मैंने उसे पूरा असेंबल करवाया है, अलग से पार्ट ले लेके, और काफ़ी अच्छा मेरा सिस्टम ये बन चुका है जो नया वाला है। इसकी सबसे पहले एक एक पार्ट की अनबॉक्सिंग मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा, प्लस इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है और इस सिस्टम पे मैं वर्क क्या करने वाला हूँ, पूरी अपडेट दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। साथ ही अगर आप नए एक यूट्यूबर हैं और एक कंप्यूटर लेना चाहते हैं, तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि आपको किस टाइप का सिस्टम असेंबल करवाना चाहिए या लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ पुंटा का TFT। जी हाँ दोस्तों, LED मॉनिटर है पुंटा का, 15.1 इंच का है ये, HDMI सपोर्टेड है, प्लस दोस्तों इसमें VGA पोर्ट भी दिया गया हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा, आगे आप इस पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए और उसके बाद ही दोस्तों कोई डिसीजन लीजिएगा। दोस्तों, पुंटा का ये ज़बरदस्त LED मॉनिटर है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले इसका जो ये स्टैंड है दोस्तों, ये देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हैं। और उसके बाद से ये रही दोस्तों पुंटा की LED, और देख लेते हैं क्या है बाकी। यहाँ पे पावर केबल है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अब इस बॉक्स में कुछ नहीं है, और ये इसके साथ फोम है, आप लोग देख सकते हैं फोम। और ये रही दोस्तों पुंटा की मॉनिटर, और इसको हम निकाल देते हैं, और ये पन्नी है, आपको निकालनी पड़ती है। और उसके बाद से इस चीज़ को आपको ये लॉक देखना है, ये ध्यान से देखिए, ये लॉक आप यहाँ पे इस लॉक को आप लोग देख लीजिए। अब इस लॉक के हिसाब से आपको इसको यहाँ पे फिट करना होता है, ये लॉक में आ गया। अब मैंने इसको निकाल दिया है। अब इसके पीछे देख लीजिए, ये पावर कावर सप्लाई का है, और उसके बाद से HDMI VGA पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। पुंटा का यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है, यहाँ पे इसका जो होलमार्क है वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पावर का बटन है, और यहाँ पे सारे मीनू ऑटो वगैरह का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको दिखा रहा हूँ, 1 साल की वारंटी के साथ कीबोर्ड आता है, बहुत ही ज़बरदस्त कीबोर्ड आ रहा है दोस्तों। 1 साल की इसकी वारंटी मिल रही है, प्रो डॉट का है, और मात्र दोस्तों 140 रुपये का ये कीबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है, कहीं कहीं आपको 200 रुपये का भी मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसकी सारी डिटेल, कंपनी की ये है, ये सारी डिटेल दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। प्रिंटेड है दोस्तों 450, लेकिन मुझे मिला है दोस्तों मात्र 140 रुपये का। बाकी मैंने इसे नाजा मार्केट लखनऊ से इसे लिया है, काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। साथ में दोस्तों मैंने एक माउस भी लिया है, दोनों मिला के मुझे 250 रुपये में दिया गया है। प्रोडक्ट का ये माउस भी है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट का माउस है। और ये माउस की कीमत दोस्तों कितनी प्रिंट है, प्रिंटेड यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा मेरे को, तो ये यहाँ पे है 200 रुपये इस माउस की प्राइस यहाँ पे लिखी है, प्रिंटेड है, लेकिन 250 रुपये में ये दोनों मिल गया। जब मैंने पूछा तो कह रहा कि 140 रुपये का ये और इतना इतना ये, तो हमने कहा घुमा फिरा के सब बात बराबर है। तो आइए माउस को भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं, ये देखिए माउस बहुत ही बढ़िया माउस है, बढ़िया माउस है, आप वायर वाला माउस है, काफ़ी बेहतरीन आपको ये माउस देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हैं आप लोग, बेहतरीन माउस है। बाकी दोस्तों ये तो रहा हमारा पूरा सिस्टम सेट। दोस्तों इसको मैंने पूरा असेंबल कराया है, फिंगर्स की का जो केस है यानी जो बॉडी है उसमें ये है, फिंगर्स का जो ये बॉडी है, इस बॉडी में दोस्तों USB 3.0 का भी पोर्ट एक्स्ट्रा दिया गया है। तो दोस्तों इस जो कैबिनेट की बात है, कैबिनेट बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया मैंने सिस्टम लिया है अब की बार, और बहुत ही कम रेट में लिया है। तो इसे मैं आप लोगों को पूरा ओपन करके मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए आप लोग, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये हमारा नया सिस्टम है दोस्तों। आप लोगों के प्यार, आप लोगों के आशीर्वाद के जरिए दोस्तों एक नया मैंने सिस्टम ये लिया है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, ये रहा हमारा नया सिस्टम, और उसके बाद से इसे मैं निकालता हूँ,
आप लोग देख सकते हैं बहुत भारी है ये सिस्टम। ये देखिए, सबसे पहले मैं इसको आप ही लोगों को सबसे पहले निकाल के दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये देखिए, तो दोस्तों ये हमारा सिस्टम रहा और आप लोग देख सकते हैं ये है पावर का बटन, ये रीसेट का बटन है, USB 3.0 का ये स्लॉट है दोस्तों, माइक और आप स्पीकर यहाँ पे लगा सकते हैं, प्लस 2.0 का यहाँ पे आपको एक USB मिल जाता है। फिंगर्स की ये कैबिनेट है दोस्तों, इसको मैंने पूरा असेंबल कराया है, यहाँ पे कहीं एक बल्ब आपको देखने को मिल जाएगा। अब आइए इसके पीछे से हम आपको दिखा दें, इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन हम बताएंगे आपको। ये सप्लाई है, ये फ़ैन इसी कैबिनेट में मिला है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो, यहाँ पे दो USB के हब ये हैं, दो USB के हब ये हैं, दो USB के हब ये हैं। उसके बाद ये पूरे स्पीकर और माइक वगैरह के लिए हैं, VGA का पोर्ट भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं HDMI का भी पोर्ट दिया गया है। तो दोस्तों अब हम इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता दें, दोस्तों अपने इस मॉनिटर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता देते हैं। जो हमारा ये मॉनिटर है दोस्तों, जो हमारा ये सिस्टम है, ये है दोस्तों DDR3 पे है, और हम आपको बता दें इसमें मैंने 1 TB हार्ड डिस्क लगवाई है और 160 के SSD जो लगी है इसमें 160 की लगी है, और उसके बाद से i3 प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा जानते ही हैं, हमें कंप्यूटर के बारे में मालूम नहीं है। तो दोस्तों फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा जो नया वाला सिस्टम है, पंटा का जो LED मॉनिटर है जिसकी अनबॉक्सिंग इस वीडियो में दिखाया है वो वाला है, बाकी ये तो हमारे पास पहले से है। इसकी जो मैंने इसको असेंबल कराया था, लगभग हमारा 1 लाख रुपये इसमें लग गया था उस सिस्टम में। तो अब दोनों सिस्टम का काम क्या है ये देखना। सबसे पहले मैं इस सिस्टम के बारे में बता दूं, ये वाला माउस है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इस सिस्टम में हमारे पास वीडियो एडिटिंग टूल्स जो है बहुत ही हैवी टूल्स है, इसमें मैं करता हूँ, प्लस मैंने इसमें भी बहुत ही अच्छा मैं कर रहा हूँ, इसमें भी काम हो रहा है, इसमें वीडियो एडिटिंग वाला भी काम हो जा रहा है, प्लस इसको मैंने ब्लॉगिंग के लिए लिया है, जो हमारी वेबसाइटें हैं उस पर मैं वर्क करता हूँ, तो इसके लिए एक अलग सिस्टम होना ज़रूरी है, जो ब्लॉगिंग का काम है उसके लिए अलग एक सिस्टम होना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को लिया है, इस सिस्टम को लिया है, ताकि हमारा काम अच्छी तरीके से हो पाए। वैसे अब मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगा, अब आप ये कहेंगे कि साहिल भाई मैं कौन सा लूँ। देखिए सबसे पहले मैंने इसका जो प्रोसेसर है i3 है, जो इसका थर्ड जनरेशन क्या बोलते हैं वो चीज़ है, देखो ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में मालूम नहीं, लेकिन जो है मोटा मोटी बता दे रहा हूँ। मैं गया दुकानदार के पास, मैं अपनी बारे में बता रहा हूँ, तो मैंने कहा मुझे एक ऐसा सिस्टम बताओ एकदम हल्के से हल्का हो, तो कह रहे हैं कि साइबर कैफे में लगाएंगे क्या, हमने कहा कि हाँ यही मान लो साइबर कैफे में लगाएंगे। तो इस TFT के साथ मुझे पूरा कंप्लीट करके वो बंदा दे रहा था मात्र 6900 कुछ रुपये में, ठीक है, लगभग समझ लो कि 7000-7500 रुपये में हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाता 2 GB रैम के साथ। तो हमने कहा इतना घटिया सिस्टम यार भाई चलाएगा, नहीं यार घटिया सिस्टम नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो साइबर कैफे के लिए होता है। तो मैंने कहा कि भैया मेरे को थोड़ा और बढ़िया बताओ, i3 कैसे होगा, HDMI पोर्ट हो, सब कुछ हो। तो उसने अपना कॉन्फ़िगरेशन बताया, वो बताते बताते 10000 रुपये आया। फिर मैंने और उसमें सामान बढ़वाया, जैसे कि उसने कहा कि 2 GB रैम कर दें, हमने कहा 4 GB करो। फिर SSD लगवाना था मेरे को, 160 GB SSD इस सिस्टम में लगवाया। उसके बाद से फिर मैंने 1 TB हार्ड डिस्क लगवाया, 1 TB हार्ड डिस्क की प्राइस आपको मालूम है 3600 रुपये के आसपास में है, SSD आपको मालूम है 1300-1400 रुपये के आसपास में SSD आपको मिल जाएगी। तो यानी कि कुल धीरे धीरे लगाते लगाते 14 से 15 के आसपास में ये सिस्टम एक अच्छा सिस्टम बन गया, 6 GB रैम के साथ और बेहतरीन। इसका मैं आपको जो फ़ोटो मैंने खींचा है उसको मैं अभी आपको इस भी वीडियो में दिखा दूंगा, और भी जो डिटेल है मैं सिस्टम पे ही जाके मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। तो काफ़ी बेहतरीन है ये, आप देख सकते हो, ये तो सामने वाले का ये वाला माउस है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, अगर आप कंप्यूटर लोगे, सिस्टम ले रहे हो, कोई सिस्टम ले रहे हो, तो एक चीज़ विशेष ध्यान देना यार,
वायरलेस माउस मत लेना, वायरलेस माउस मत लेना भैया, मैं लेके परेशान हो गया। मैंने उसमें बहुत सारी बैटरियां, मैं उसकी समझो हर तीसरे चौथे दिन मुझे बैटरी बदलनी पड़ती थी, और दो तीन माउस ले लिया। मैंने सोचा कि एक ख़राब होगा तो चलो एक से काम हो जाएगा, फिर मेरा वही काम वही साला दिमाग ख़राब हो गया। खैर दोस्तों, आपको हमारी ये हमारा ये सजेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाकी हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ को।